तो क्या बोल रहे अपुन की पब्लिक। अरे अपुन ऐसे पिछले हफ्ते बैठे रहा था, सोच रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, और उतने में ही मुझे पता चला कि हमारी कॉलेज की तो अगले हफ्ते फ्रेशर्स पार्टी है। अपुन ने बोला मिल गया टॉपिक। अरे जितनी बकचोदी फ्रेशर्स पार्टी में होती है ना, उससे ज्यादा तो साला इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स पे भी नहीं होती आजकल। सही पकड़े हैं। तो आओ यार, आज हम इन्हीं कुछ पहलुओं पे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इतनी बकचोदी करना जरूरी है। तो बने रहिए आज के हमारे वीडियो में, जिसका टॉपिक है फ्रेशर्स पार्टी, बकचोदी अभी बाकी है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आता है वो बंदा जिसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि साला ये फ्रेशर्स पार्टी है या उसकी जिंदगी की आखिरी विदाई। उस बंदे का नाम है प्रेसिडेंट। ना 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 ना, वो वाला प्रेसिडेंट नहीं, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला प्रेसिडेंट। बनते वक्त और बनने के कुछ देर बाद तक उसे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसे बाद में समझ में आता है कि दफा 300 भुसड़ पट्टी के तहत उसे बहुत ही पहला जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेशर्स पार्टी के तैयारी के बारे में, जो 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी होती है। और जैसे जैसे डेट नजदीक आना शुरू हो जाती है, सबके लौड़े लगना शुरू हो जाते हैं, और सबसे हरामी चूतिया मात्र चौथ बच्चे वो होते हैं जो किसी भी फंक्शन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब पैसा पैसा नहीं देते वो। तो आप सोच रहे होंगे कि वो गरीब भी तो हो सकते हैं ना। अजी ना जी ना, कौन सा गरीब, साला गर्लफ्रेंड ने अगर 100 रुपए की कैडबरी मांगे हो ना, तो ये 200 रुपए की लाके देंगे और टेढ़ी देंगे ऊपर से, वो अलग। लेकिन दोस्त ने 5 रुपए की चाय भी मांगे हो ना, तो बोलेंगे मैं गरीब हूँ। यार बहन चो, सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। और अगर गलती से भी उन्होंने पैसे दे दिए समझो, तो पूरी पार्टी एंजॉय करेंगे, और जैसी पार्टी खत्म होने आ जाएगी बोलेंगे कि मजा नहीं आ रहा। अब क्या भोसड़ी के तेरे दिए हुए 150 रुपए में हाई गर्मी लगा के नौरा को नचाओ। सॉरी। अब बात करते हैं उन लड़कियों के बारे में जो पार्लर में जाके 2-2 घंटा बिताती है। उन्हें लग रहा होता है कि कॉलेज के सारे लोंडे बस इन्हें ही देखने आने वाले हैं, इसीलिए आपने सनी देओल जैसे चेहरे को सनी लियोन जैसी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पता है आखिर में पार्लर वाली क्या कहती है? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और एक हम है जो कॉलेज आते वक्त पाउंड पाउडर लगा के आती है, और साला कॉलेज आते आते पता नहीं चलता कि साला पाउडर की जगह मिट्टी कहां से आ गई। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो सिर्फ खाना खाने आए होते हैं, उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी। बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है लेकिन भूख इन्हें भी लगती है। इनका बस यही कहना होता है कि दुनिया जाए मां चुदाने, हम तो चले खाना खाने। इन्हें बता दो बस यार मेनू में क्या है, इनका तो आधा पेट यही पे भर जाएगा। अब बात करते हैं कैमरामैन के बारे में। उस दिन कैमरामैन नहीं होता, उसके हाथ में कैमरा नहीं होता, उसके हाथ में होती है संजीवनी बूटी जिसे हर कोई पीना चाहता है। क्या बात है? और जो ये कैमरा होता है ये इसका नहीं होता, इसने पूरी दुनिया को पूछ के जुगाड़ लगाया होता है, क्योंकि इसे पता है हर खूबसूरत लड़की की तस्वीर इसमें आने वाली है। और अगले दिन उसकी डिमांड इतनी होगी कि साला जितनी एक लड़की के बाप को सरकारी नौकरी वाले की होती है। और तो और साला उन लड़कियों की फोटो देते वक्त नंबर भी तो मिलेगा। मस्त प्लान है। उस दिन तो कैमरामैन तू ही था, इसलिए तो मैंने एक भी गाली नहीं दी कैमरामैन को। अब बात करते हैं डांस के बारे में। इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले में वो आते हैं जो ऑफिशियल गाना लेके पर्टिकुलर स्टेप्स के साथ स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। और दूसरे में आते हैं वो लोग जिनका कोई टाइप ही नहीं है, ये कुत्तों की तरह नाच रहे, कोई घुसे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है, किसी का चश्मा टूटा है, किसी की गोटियां टूटी हुई है, लेकिन ये भुसड़ी के नाचे जा रहे। Thank you.
आपको लग रहा होगा कि सिर्फ लड़के कुत्तों की तरह नाच रहे हैं, लेकिन नहीं, लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। देखना चाहते हैं? एडिटर लगा तो भाया। अभी ये क्या कर रहा है भूसड़ी की? इसे नाचना नहीं कूदना कहते हैं। नाचने और कूदने में फर्क होता है यार। शायद ये नाचने का ट्रेंड आ गया हो। लोग आजकल कुछ भी उठा के ट्रेंड बना रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये लौंडा थोड़ा अलग है, लेकिन नहीं, इसको पता है अगर वो उस झुंड में गया तो उसकी गोटिया का कचुंबर होना तय है। एक्सपीरियंस भाई। हमारे कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में कुछ गेम्स भी रखे थे, जैसे कि म्यूजिक चेयर और वो स्क्विड गेम वाला, वो हगुना का तुमी संडा साथ मजा। हिलने का नहीं रे, वरना गांड में गोली मार देगा। अरे आप उनको पहले वाला स्क्विड गेम अच्छा नहीं लगा रहे, लेकिन वो सेकंड वाला था ना स्क्विड गेम और वो म्यूजिक चेयर, वो आप उनको बहुत पसंद आया। समझ रहा है ना तू? समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। थैंक यू।